सामान्य काल वर्ष ब छठा रविवार। पिछले रविवार को हमने देखा कि कैसे ईसा सभी रोगों को दूर करते हैं, चंगाई प्रदान करते हैं। उसी प्रकार आज का सुसमाचार भी हमें ईसा के दयामयी प्रेम को दिखाता है, स्पष्ट करता है कि ईसा का हृदय दीन दुखियों, रोगियों एवं निराश्रितों के लिए बड़ा ही दयालु है। आज का पहला पाठ जो कि लेवी ग्रंथ से लिया गया है, हमें दर्शाता है कि उस समय किसी को कुष्ठ रोग होने पर समाज में उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था। उस कुष्ठ रोगी को फटे पुराने कपड़े पहनकर, बाल बिखराकर, अशुद्ध अशुद्ध कहकर चिल्लाना पड़ता था एवं यह प्रक्रिया तब तक चलती थी जब तक वह कुष्ठ रोगी पूरी तरह से शुद्ध ना हो जाए एवं अपनी शुद्धिकरण का प्रमाण याजक को ना दे दे। हम आज के सुसमाचार में देखते हैं कि ईसा के समय में यह प्रथा प्रचलन थी, परंतु ईसा के निर्मल हृदय के विचार इस नियम के विपरीत थे। वह रोगी को पिता परमेश्वर की दयामय दृष्टि से देखते हैं। शायद इसी कारण से वह रोगी ईसा की आंखों में दया एवं प्रेम का अनुभव करता है। मैं अशुद्ध हूं कहकर भागने के बदले वह घुटने टेक कर विनय करते हुए कहता है कि प्रभु, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को उस कुष्ठ रोगी के ऊपर तरस आ जाता है और वह उसे अपने हाथों से स्पर्श कर उसे चंगाई प्रदान करते हैं एवं शुद्धिकरण का प्रमाण याजक को देने के लिए कहते हैं। ईसा को उसकी परवाह थी और वह चाहते थे कि वह कुष्ठ रोगी एक नया जीवन व्यतीत करे। ईसा के द्वारा किया गया यह कार्य हमें ईश्वर के मर्म स्पर्शी प्रेम की तीव्रता तथा गहराई को दर्शाता है, हमें ईश्वर के अकथनीय प्रेम को भी दिखाता है। ईसा हम में से प्रत्येक को प्रेम करते हैं, उनको भी हमारी बीमारियों या कठिन परिस्थितियों में हमारे ऊपर तरस आता है, पर वे हमसे चाहते हैं कि हम भी उस कोड़ी के समान उनके दयामय दृष्टि को समझें, उनसे विनय एवं प्रार्थना करें और कहें, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और तभी ईसा हमें उनकी कृपा एवं आशीष से स्पर्श करेंगे और हमसे कहेंगे कि हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। पर हम इस आधुनिक काल में हर परिस्थितियों या बीमारियों का हल ढूंढने स्वयं निकल पड़ते हैं, बिना अनुनय विनय किए। स्वयं पर विश्वास करने के कारण हम ईश्वर की कृपा को हम तक पहुंचने से रोक देते हैं। हम भले ही शारीरिक रूप से कोड़ी नहीं हैं, किंतु हम सभी किसी ना किसी तरह की बुराई के कोड़ से संक्रमित हैं। आइए हम कुछ पल मनन चिंतन करें तथा स्वयं से सवाल करें कि मेरा हृदय किस प्रकार के कुष्ठ रोग से संक्रमित है। आइए आज हम भी उस कोड़ी के समान गिड़गिड़ाकर ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें कि हे प्रभु, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा हमारे इस सच्चे पश्चतापी हृदय को जान जाएंगे एवं अपनी कृपा और आशीष से हमें चंगा कर पवित्र आत्मा की शक्ति एवं फलों से परिपूरित कर देंगे और हम भी चंगे होकर उस कोड़ी के समान दूसरों में ईसा के प्रेम एवं अनुकंपा का साक्ष्य दे सकेंगे। आमीन।